पी आर पी पब्लिक पटाऊ पार्टी के पकाऊ सदस्यों, मैं इस पार्टी का इकलौता एमपी आपका स्वागत करता हूं। तालियां बजाओ। जनता ने हमें इस कुर्सी पर बिठाया है तो हमारा फर्ज है कि हम उसे उठाएं, ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं, इतना उठाएं। ज्यादा ऊपर उठाएंगे तो वोट देने वाला कोई नहीं बचेगा। ओहो पांडे जी, एमपी जी का मतलब इतना ऊपर उठाने से नहीं है। तो कितना ऊपर? अरे इतना ऊपर जितना जितना तुम्हें उठाया, जेब कतरे से बॉडीगार्ड बनाया। उषा जी, भाटिया जी, जनता को बता दीजिए कि हम रोज 10 और 11 के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे सरकारी तौर पर। जी, और गैर सरकारी तौर पर सर? सारा दिन और काम ही क्या है? सरकारी समस्याएं सुनने की फीस जो जनता दे जाए। और गैर सरकारी समस्या सुनने की सर? जो हम ले पाए। लूसी लूसी लूसी, क्या कर रहे हो मुसद्दी? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे मुझे मुसद्दी मत बुलाया करो। तो फिर क्या कहा करूं मिस्टर मुसद्दी लाल प्रेमी? कॉल मी मूसी मूसी मूसी। कब कहूँ? जब तुम मेरे साथ शादी करोगे। बोलो ना, मेरे साथ शादी कब करोगे? अपनी बीवी को कब छोड़ोगे? छोड़ दिया मैंने उसे कल रात को, बता दिया उसको सब सच। अब 2 दिन के अंदर उस मोटी को उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा और दुनिया के सामने छाती ठोक के कहूंगा। क्या? दुनिया वालों सुन लो, तुसी अल्लामा लूसी लूसी लूसी। ओ मूसी मूसी मूसी। मुसद्दी, ओ मुसद्दी लाल। कौन है? जो बोल रहे अपन उसे बोली कहते हैं। रंग जिसमें डालते हैं उसे होली कहते हैं। होली? जिसके पीछे दिल होता है ना उसे चोली कहते हैं। चोली? और अपुन को गगन गौली कहते हैं। अच्छा अच्छा, वो मशहूर चोर, वो मशहूर गुंडा, वो मशहूर मवाली, वो फेमस हलकट। ये अपनी तारीफ कर रहा है, गाली दे रहा है? फेमस बोला उस्ताद, बोले तो तारीफ कर रहा है। कंफ्यूज काहे को होने का, इससे पूछ लेते ना। ए मुसद्दी लाल, तू अपने को गाली दे रहा है या तारीफ करेला है? नहीं, मैं आपको गाली कैसे दे सकता हूँ, मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? देखा उस्ताद, बोला ना तारीफ करेला है। तेरे को मालूम अपन इधर क्यों आया? नहीं मुझे नहीं मालूम। तेरे को कैसे मालूम होगा, अपन जो बताया नहीं सुना है, तू अपनी बीवी को छोड़ ला है। आप कहोगे तो मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा तो अपन तुझे नहीं छोड़ेगा। अपन को उससे लव एंड फर्स्ट फ्लाइट हो गया है। लव एंड फर्स्ट फ्लाइट? हाँ, पहली नजर प्यार। उसको लव एंड फर्स्ट फ्लाइट नहीं कहते हैं, उसको लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं गग्गू। वही च। तो ठीक है, मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा। फिर हम तुमको नहीं छोड़ेगा। क्यों? तेरे को टपकाने के लिए अपने को सुपारी लिया। सुपारी? किसने दिया सुपारी? तेरी बीवी च दिया, 25 पेटी। अच्छा अच्छा, तभी वो 25 लाख रुपए मांग रही थी सुबह मुझसे अलमारी खोल के। चल तैयार हो जा मरने के लिए। ठीक है, मैं अभी आता हूं। ए किधर जा रहा? अरे मैं वो सूट टाई वगैरह पहनने के लिए जा रहा हूं ना। क्या? हाँ, आप ही तो अभी कहा ना कि तैयार हो जा मरने के लिए, मैं तैयार होने जा रहा था। ए डेट छाने वोटिया तब कैसे? नहीं 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 नहीं, तुम प्लीज प्लीज मुझे मारना मत, मैं डर चुका हूँ। डर गया, डर गया, डर गया। चल छोड़ दिया। पर सुन, अपने को 50 पेटी मांगता है। 50 पेटी? 50 लाख रुपया? हाँ, एक हफ्ते बाद 25 तारीख को ठीक 11 बजे पेटी तैयार रखना, वरना। चल गोटिया, मैं पुलिस को फोन करूंगा। अरे अपने देश में कानून नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। जी हाँ पुलिस, ऑलवेज एट योर सर्विस। जी मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। मिलेगा, हमारा काम ही यही है। बोलिए क्या हुआ? जी एक आदमी ने मुझे धमकी दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसको 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मुझे जान से मार डालेगा। किसने धमकी दी है? गगन गोली ने। आप मुझे प्रोटेक्शन देंगे ना? फोन काट दिया। अच्छा, पुलिस वाले भी गगन गोली का नाम सुनते ही डर गए, फोन काट दिया। अब इस गुंडे से मुझे कौन बचाएगा? कोई बात नहीं, इस गुंडे से मुझे इससे बड़ा गुंडा बचाएगा, भाटिया पॉलिटिशियन। कहाँ जा रहे हो मूसी? पीपीपी के ऑफिस जा रहा हूँ, पब्लिक पटाओ पार्टी। यही तो। हाँ जी, ओके। ओ भैसा, बोलो यहाँ कहाँ? जी वो मुझे भाटिया साहब से मिलना है। दुकान का उद्घाटन कराना है? जी नहीं। बेटे को पुलिस से छुड़ाना है? जी नहीं। जी नहीं। मकान पे कब्जा किया खाली कराना है? अरे नहीं भाई नहीं। तो क्या नेताजी से भजन कराना है? अच्छा, नेताजी आजकल भजन कीर्तन भी करने लगे हैं। हाँ करने लगे हैं, मैं पीछे मंजीरा बजाता हूँ, बोलो कब करने आ जाऊँ? नहीं नहीं, अभी भजन कीर्तन तो नहीं करवाना है। तो क्या काम क्या है? क्या करने आया भाई? क्या हुआ पटेल? अरे कुछ नहीं शुक्ला जी, देखो ना, ना ही दुकान का उद्घाटन कराना है, ना ही बेटे को पुलिस से छुड़ाना है, ना ही मकान का कब्जा छुड़ाना है, पता नहीं क्या करने आ गया यहाँ। मुझे तो अपोजिशन का आदमी लगता है ये। नहीं नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ सर। तभी तो कह रहा हूँ ना, अपोजिशन के आदमी हो, यहाँ क्यों आए हो तुम? मैं कंप्लेन करने के लिए आया हूँ। कंप्लेन? काहे की कंप्लेन?
नल में पानी नहीं आता, घर में बिजली चली गई, काहे की कंप्लेन काहे की क्या? इसमें क्या नगर पालिका का कार्यालय समझ रखा है तुमने? नहीं वो वाली कंप्लेन नहीं। तो कौन सी कंप्लेन माता दीन? देखिए मेरा नाम माता दीन नहीं है, मेरा नाम मुसद्दीलाल प्रेमी है। गगन गोली नाम का एक गुंडा है, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने एक हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए उसको नहीं दिया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। ओह गॉड जी। नहीं मतलब मामला सेटल कराने आए हो? नहीं नहीं मैं मामला सेटल कराने नहीं आया हूँ, मैं प्रोटेक्शन लेने के लिए आया हूँ। पुलिस प्रोटेक्शन के पास जाओ ना, पुलिस के पास। जी नहीं, पुलिस के पास तो मैं गया था, लेकिन वो सारी पुलिस जो है वो नेताजी को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या? हाँ मतलब देखिए अब आपके सिवा और कोई चारा नहीं है, प्लीज हेल्प मी। ओके, सरकारी की गैर सरकारी? सरकारी सरकारी। क्या? देखिए सरकारी छोड़िए, गैर सरकारी टाइम में आइए। नहीं नहीं नहीं, गैर सरकारी टाइम में कैसे, सरकारी दफ्तर में खड़ा हूँ मैं, सरकारी सरकारी। सरकारी दफ्तर नहीं है भाई। जिनका दफ्तर है वो तो सरकार में ही काम करते हैं ना, सरकारी सरकारी। ओ भाई साहब सरकारी सरकारी है ना, 10 और 11 के बीच में होता है सुबह, कल आना। अभी तो 10:30 बजे हैं। अरे भाई तो और भी तो लोग हैं कि अकेले आप ही हैं? कहाँ और कोई तो यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, किसकी सुनवाई सुनी जाएगी? अरे नेताजी कहाँ है, सुनेगा कौन जी? ओके कल आना। ओके जी बाय। मैडम मैं 5 बार अपनी समस्या एमपी साहब को सुना चुका हूँ। तो उन्होंने सुनी ना? हाँ सुनी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है मैडम कि मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ आश्वासन मिला है। आपने सरकारी समय पर सुनाई थी या गैर सरकारी समय पर? जी मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है 10 से 11 के बीच में या? जी 3 बार 11:15 के आसपास और 2। यही तो, सरकारी समय पर मंत्री जी केवल आश्वासन देते हैं, समस्या का समाधान चाहते हो तो गैर सरकारी समय पर आओ। जाओ जी। जाओ जाओ। हेलो। हाँ ललिता बोल। अरे नहीं राज तो एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी, एक मिनट होल्ड करना। क्या है? मैं कितनी देर और वहां पे बैठा रहूं? जब तक आपका दिल चाहे। ये पीपीपी का ऑफिस है, पब्लिक पटाओ पार्टी, यहाँ पे हम पब्लिक को पटाके रखते हैं, बिठा के रखते हैं, आपका दिल चाहे तब तक आप यहाँ बैठ सकते हैं, शांति के साथ बैठिए। शांति के साथ? और शांति कहाँ पे है? ओफो, अब चुप नहीं रह सकते क्या? जाइए। हाँ ललिता क्या बोलूं? भाई साहब, भाई साहब क्या वो सरकार गिर गई? क्या? नहीं सरकार नहीं गिरी। तो क्या बवाल काट रहे हैं? अरे भाई मैं 3 दिन से आके यहाँ पे बैठता हूँ। अरे तो कौन सा कद्दू तीर मार रहे हैं, हम तो 13 साल से ही आके बैठे हैं। वो बात नहीं है, मुझे नेताजी से मिलना है। तो मिलिए ना, कौन रोका है? अरे लेकिन कैसे मिलूं? जब वो आते हैं तो 12 बजे आते हैं, और आते ही कह देते हैं कि 10 और 11 बजे के बीच पब्लिक से मिलने का टाइम है, आप कल आइएगा। तो कल आइए ना। अरे आप ही कह रहे हैं कल आइए, मेरी जान को खतरा है भाई। भाई साहब ऐसे बोलेंगे तो हम सबकी जान को खतरा हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मेरी एक समस्या है। तो जाइए आप पटेल साहब से पूछिए अपनी समस्या। पटेल साहब। बोलो भाई, सरकारी की गैर सरकारी? पिछले 3 दिन से जब भी मैं पूछता हूँ आप कहते हो सरकारी की गैर सरकारी। हाँ तो तुम भी मुझे 3 दिन से एक ही सवाल पूछते हो। क्या? नेताजी कब आएंगे? तो मैं क्या करूँ? अच्छा कब आएंगे नेताजी? आदमी क्या है? अरे 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 नेताजी आ गए। नेताजी पे अटैक करता है? नेताजी बैठक करता है? नेताजी, नेताजी। पांडे जी, पांडे जी, इसकी तलाशी लीजिए, इसके पास बॉम्ब हो सकता है। एक मिनट, हिलना मत अपनी जगह से। अबे पांडे, ये बता, तू मेरा बॉडीगार्ड है कि मैं तेरा? मैं तेरा? है? मतलब मैं आपका? तो तलाशी कौन लेगा? मैं लूंगा। तो लो तलाशी। लेकिन बंदूक कौन पकड़ेगा? मैं। आपको बंदूक चलानी आती है? नहीं। अगर आपने बंदूक पकड़ी, मैंने तलाशी ली, इसने अटैक कर दिया, तो आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं, बंदूक पकड़ूं कि तलाशी लूं? तलाशी लो। लेकिन बंदूक कौन पकड़ेगा? बंदूक के... देखिए बंदूक मैं पकड़ लेता हूं। ये ले। पकड़ो। अरे देखिए देखिए बंदूक मत चलाइए, देखिए नेताजी की जान मत लीजिए, प्लीज मेरी जान ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, नेताजी को छोड़ दीजिए प्लीज। अबे पांडे पहले मुझे छोड़ना। तू नहीं, मैं तो किसी को मारने की कोशिश तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नेताजी से मिलना चाहता था, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं नेताजी से मिल ही नहीं पाया हूँ। मिलेंगे मिलेंगे भाई, हम जरूर मिलेंगे, किसकी हिम्मत है जो आपसे ना मिले? नहीं मगर मेरी शिकायत तो नहीं सुनी ना किसी ने? हाँ मगर बंदूक के दम पर सुनाएंगे क्या? तो प्लीज बंदूक नीचे रख दीजिए प्लीज। नहीं बंदूक के दम पर नहीं, वो तो बंदूक इन्होंने मुझे दे दी थी, इसलिए मैं उसको इधर उधर कर रहा था, वरना मुझे तो सिर्फ मिलना है आपसे। दे दो पांडे, ले लो बेटा। पांडे ले ले बे। पांडे बोलोगे ना, कब भी नहीं लूंगा। अच्छा अच्छा पांडे जी, ले लो लाओ लाओ। एक सेकंड, आप मेरा प्रॉब्लम सुनेंगे ना? अरे जरूर सुनेंगे, प्रॉब्लम सुनना ही तो हमारा काम है। जी ठीक। नेताजी बात करता, छोड़ मारे तुझे। अब मैंने क्या किया भाई? छोड़ मारे तुझे। बस गुस्सा तुम तो बस। आप बोल रहे हैं तो छोड़ रहा हूँ मैं। जी अब समस्या का समाधान कर दीजिए।
अंदर चलते हैं, आइए। हाँ तो बताइए क्या समस्या है आपकी? जी समस्या ये है कि मैंने अपना कीमती वोट आपको देके आपको जितवा दिया और आप मंत्री बन गए। तो ये समस्या है आपको? नहीं ये मेरी समस्या नहीं है, तो सारी जनता की समस्या है। हाँ वो क्या? नहीं सर मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी समस्या तो कुछ और ही है। तो बताइए जल्दी बोलिए क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। समस्या का समाधान तो हमारे पास नहीं है। नहीं इस समस्या का समाधान तो मैंने कर लिया। क्या बात कर रहे हैं, जल्दी बताइए हमें बताइए। मैंने अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला कर लिया। अरे वाह फिर तो समस्या रही नहीं। पर बात यह है कि मेरी पत्नी जो है वो। अरे आपकी समस्या ने तो हमें समस्या में डाल दिया। एक मिनट रुक जाइए जरा। पांडे जी जी हमने कुछ खाया था आज? याद नहीं आ रहा सर, फोन करके पता करूं? पता करो जल्दी। जी मेरी पत्नी ने क्या किया है, उसने इस तरह का। हेलो आज सुबह नेताजी ने खाया था? ओके खाया था सर। क्या खाया था, कहाँ खाया था? वो सुबह इल्लीगल कॉन्ट्रैक्टर ने खिलाया था ना। हाँ, लेकिन इतनी भूख क्यों लग रही है भाई? मेरा ख्याल सर आपने नाश्ता नहीं किया होगा। हाँ पांडे जी जरा समोसे और चाय का प्रबंध कीजिए जल्दी से। जी लेकिन सर एक अनजान व्यक्ति के सामने मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो एक काम कीजिए इन्हें भी अपने साथ ले जाइए। क्या? चलिए चलिए चलिए। देखिए देखिए मैंने तो अभी अपनी समस्या बताई भी नहीं है। कल बताइएगा। कल क्यों? चलिए चलिए चलिए। नहीं देखिए 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 आप जनता की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, जाइए। पक्का आप करेंगे? पक्का 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 एकदम पक्का। पांडे वो गया। यही तो। अरे मैं तो ललिता की सास को देखने के लिए गई थी। देखिए अरे मुझे नहीं लगता वो बचेगी। देखिए मेरी जान को बहुत खतरा है, मैं मर जाऊंगा। सही में यही होना चाहिए। वो लोग मुझे मार डालेंगे, मैं मर जाऊंगा। मुझे तो बड़ी खुशी होगी। मैं कहती हूँ खुशी होगी आपको? मैं मर जाऊंगा और आपको खुशी होगी? मतलब ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या? मुझे बताइए आप। मैं वहाँ पुलिस स्टेशन पे जाता हूँ तो वहाँ पे भी कोई मेरी बात नहीं सुनता है, और यहाँ आता हूँ तो यहाँ भी कोई मेरी आवाज नहीं सुनता है। मतलब ये है क्या, जनता की कोई आवाज ही नहीं है? जनता की कोई आवाज है कि नहीं? अरे कौन सी तरकारी भाजी की बात कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। सरकारी की गैर सरकारी। अरे फिर से वही सरकारी के गैर सरकारी है क्या भाई? अरे भाई अब आपसे क्या छुपाना, सरकारी तरीके से जाएंगे तो फिर आपकी समस्या को आश्वासन मिलेगा। तो समाधान कैसे होगा? गैर सरकारी समय पर। गैर सरकारी समय कौन सा होता है? 24 आवर 24 घंटा। तो उसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, बस हमारे खाली कोष भरने होंगे। अच्छा रिश्वत? ना चंदा। चंदा नहीं नहीं मैं कोई चंदा वंदा नहीं दूंगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो गैर सरकारी हो। ठीक है तो आपकी मर्जी, गैर सरकारी नहीं करना चाहते तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सरकारी कराइए। मगर सरकारी कराएंगे तो दो बातें होंगी, या तो आपकी समस्या सुनी जाएगी या तो नहीं सुनी जाएगी। सुनी कहां से जाएगी, और नहीं सुनी गई तो दो बातें होंगी, या तो आपको समाधान मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिला तो ठीक, मगर नहीं मिला तो दो बातें होंगी, या तो गगन गोली आपको गोली मार देगा या तो छोड़ देगा। छोड़ेगा तो कैसे वो, और मार देगा तो दो बातें होंगी, या तो सरकार उसे पकड़ पाएगी या तो नहीं पकड़ पाएगी। अरे यार क्यों सरकारी कोटे में जाकर अपने खातिल को बचाना चाहते हो? मैं तो कहता हूँ गैर सरकारी कोटे में आइए, और गारंटी देता हूँ आपको कि आपका खातिल बचकर जा ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम सॉल्व ना। अरे बोलो हाँ हाँ। तो जाओ फॉर्म भरो, उसका टिकट दे दो। जी मेरा नाम है मुसद्दी लाल प्रेमी। डिमांड? डिमांड तो मेरी तो कोई डिमांड नहीं। आपकी नहीं गगन गोली की डिमांड। 50 लाख रुपए। अरे किस बात के क्या, पी 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 पब्लिक पटाओ पार्टी प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड? हाँ हमारी पार्टी वर्कर्स के रिटायर होने के बाद पीएफ देती है। अरे तो क्या सारा का सारा आप मुझे से लेंगे? देखो गगन गोली को तो 50 लाख तुम्हें देने ही होंगे, नहीं तो फिर। तो सोच लो 12.5 लाख या 50 लाख। 12.5 लाख कौन से कम होते हैं? हाँ मगर करेंगे क्या, आपके पास और कोई चारा भी तो नहीं है? चारा तो आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं, जितना का जितना था सारा का सारा कहाँ गए? तो दिए? जी दिए। गुड। अब मेरा? तुम्हारा क्या है? अरे भाई पीपीपीपीएफ। अरे अभी तो दिया ना मैंने पब्लिक पटाओ पार्टी प्रोविडेंट फंड। हाँ मगर ये पीपीपीपीएफ पब्लिक पटाओ पार्टी प्रोविडेंट फंड वाला नहीं है। तो फिर ये कौन सा पीपीपीपीएफ है? ये पीपीपीपीएफ पब्लिक पटाओ पार्टी प्यून फंड है। क्या? हाँ। कितना? 1%। 1% बहुत कम है ना। अरे भाई पहले काम तो करवाओ। हाँ करवा देंगे भाई, शुक्ला जी आपको नेताजी से मिलवा देंगे, पहले मेरा परसेंट तो हाँ कहिए। हाँ मिल जाएगा। ओके कल लेकर आना, वरना फिर परसों गगन गोली गोली मार देगा आपको। ठीक है दे दूंगा। हाँ तो शुक्ला जी जी मुझे नेताजी से मिलवा दीजिए। अरे जरूर मिलवा देंगे, लेकिन हमारा पी 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 सी एफ। पी 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 सी एफ पब्लिक पटाव पार्टी चमचा फंड। अरे बड़े इंटेलिजेंट आदमी। कितना?
2% दिया। चलिए ना, फिर देर किस बात की है। सर क्या है शुक्ला? गरीब पब्लिक। ये पब्लिक बहुत तंग करती है, हमेशा सर पे बैठी रहती है। अरे हमारी तरह हर 5-5 साल बाद क्यों नहीं शक्ल दिखाती? आप भी तो आजकल 6-6 महीने में शक्ल दिखाने लगे। शुक्ला सरकारी है कि गैर सरकारी? 100% गैर सरकारी। तो उसको बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर ला 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 आ आ आ। नमस्कार नेताजी। नमस्कार जनता। नहीं आप छुपा क्यों रहे? खाइए खाइए खाइए। नहीं नहीं हम जनता के सामने नहीं खाते। नहीं, आप समोसे तो खा रहे हैं। ओ, मैं तो भूल ही गया था, ये तो समोसे हैं। आइए बैठिए। एक मिनट, मुझे तलाशी लेनी है। आप बैठिए सर। ओ। अरे भाई लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना। अगर बॉम्ब हुआ तो, नेताजी फट गए तो, मेरी नौकरी चली गई तो, मेरे बच्चे भूखे मर गए तो, उन्हें रोटी कौन खिलाएगा? ये पकड़िए, उनको रोटी PPPBF खिलाएगा। PPPBF ये क्या है? ये पब्लिक पटाओ पार्टी बॉडीगार्ड फंड है। अरे आप तो बड़े समझदार हैं, आपको तो राजनीति में होना चाहिए, खड़े क्यों हैं? आइए ना प्लीज, आइए प्लीज। थैंक यू। हाँ तो नेताजी, आपकी समस्या का समाधान हो गया है। परसों 11 बजे आने की धमकी दे गया है गगन गोली। जी हाँ, आपको कैसे पता? उसी ने बताया है। उसने आपको? हाँ, वो नहीं आएगा। सच में नहीं आएगा? निश्चिंत रहिए, वो नहीं आएगा। बस PPPF में रकम जमा करा दीजिए, वरना वो परसों की जगह कल ही आ जाएगा। नहीं, मैं आज शाम को ही जमा करा देता हूँ रकम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद है। भाटिया साहब, पक्का गगन गोली नहीं आएगा? कहने में क्या हर्ज है। डार्लिंग, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं कहाँ डर रहा हूँ, डर कहाँ रहा हूँ, डरने वाली कोई बात है क्या? आज 25 तारीख है ना, 11 भी बजने वाले हैं, गगन गोली आने वाला है। नहीं नहीं आएगा वो नहीं आएगा। Are you sure? हाँ, कोई आया क्या? नहीं, नहीं आएगा भी नहीं। मैंने 20 लाख रुपए दिए हैं PPP में। PPP? हाँ, तुम नहीं समझोगी, अब गगन गोली तो क्या उसका बाप भी नहीं आ सकता है। ए मुसद्दीवा, सॉरी हाँ, वो क्या किया आज गगन भाई नहीं आ सकेंगे, बस यही बोले अपू ना आया था, बस ओके टाटा बाय बाय। देखा देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे कि गगन गोली तो क्या उसका बाप भी नहीं आ सकता है। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। पहली बार जिंदगी में ऐसा नेता देखा है जो अपनी बात का पक्का। बस मैं अभी आता हूं। अब कहाँ जा रहे हो मुसी? मैं PPP के दफ्तर जा रहा हूँ थैंक्स कहने। ओ मुसी मुसी मुसी। आओ लूसी लूसी लूसी। अरे पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। अरे वो साला मवाली गुंडा गगन गोली अंडरवर्ल्ड आया ही नहीं, डर गया। थैंक यू वेरी मच भाटिया जी, थैंक यू वेरी मच। तुम मतलब आप? वो बोल रहे ला, अपन उसे बोली कहते हैं। हम डालते हैं जिसमें, उसे होली कहते हैं। जिसके पीछे दिल है उसे चोली कहते हैं। और भाई साहब को गगन गोली कहते हैं। बराबर या तुम लोग? वो भाटिया साहब कहाँ गए? वो कल रात जो है ना सरकार गिर गई। मैंने तो सुना नहीं। वो क्या है ना, न्यूज में आने से पहले ही गगन भाई ने सपोर्ट कर दिया। भाटिया जी को निकाल कर पार्टी ने इन्हें मंत्री बना दिया। यही तो, तभी तो ये आ नहीं पाए ना आपके पास। चलो एक ही बात, तू आ गया, चल निकाल PPPEF का 50 लाख रुपया। ये PPPEF क्या है? पब्लिक पटाओ पार्टी एक्सटेंशन फंड। हाँ हाँ,